कोमल तेरा नाम है ना, तेरे को इंडिया गेट देखे क्या याद आ रहा है? इधर से पाकिस्तान गेट की शुरुआत। अच्छा, इसको लग रहा है ये इंडिया का गेट है, इसके पीछे साइड पाकिस्तान है। तो भाई साहब सबसे पहले नहाना है, बिकॉज इतनी गर्मी है ना, क्या बताऊँ, मतलब पूरा ऐसा ना चिपचिपा लग रहा है। देखो तो मैं तो तैयार हो गया कुछ इस तरह का आउटफिट आज, और यहाँ पे कोमल जो कि जा रही है आज इंडिया गेट हमारे साथ। तो दीदी वैसे रेडी हो रही है अंदर, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे साथ पहली बार जा रही है कोमल, और अभी ना शाम हो रही है, मतलब अभी मॉर्निंग का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है, शाम के लगभग बज रहे अभी 6, अंधेरा होने वाला है। तो नाइट शो देखने जा रहे हैं, पिछली बार गए थे हम, लेकिन पिछली बार जो है भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से हम अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाए थे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं संतोष की तरफ से प्यार भरा प्रणाम और स्वागत आप सभी का जेएसडी पहाड़ी की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है नाइट को शूट हो रहा है, आप लोगों को पता चली गया है। तो अभी जो है जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, तो आज जो है साथ में जाने वाले हैं हमारे उमादी और कोमल। तो अभी जो है हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो अभी जो है मैं अंधेरा यहाँ पे हो चुका है, और वैसे मैं अंधेरे में ही जाना, मतलब नाइट शो देखने ही जाना है। 15 अगस्त को हम गए थे, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब बिल्कुल जगह ही नहीं थी पैर रखने की, तो फोटो खींच लेंगे इससे। तो आज जो है जा रहे हैं हम शाम के टाइम में, तो अभी जो है निकल रहे हैं यहाँ से। और भाई गर्मी इतनी है ना, अभी जो है नहा के आए थे बाहर, तो जैसे नहाने के बाद ना और तेज़ जो है गर्मी फील हो रही है, तो उसकी वजह से पसीना बिल्कुल तितर बितर हो गया हूँ। ओ भाई हमने सोचा था ना 8:30 बजे तक बिल्कुल मस्त करके इंडिया गेट पहुँच जाएंगे, लेकिन भाई जाम देखो यार, मतलब लगभग 1.5 घंटा हम जाम में फंसे रह गए इधर, और देखो अभी भी गाड़ियाँ आने में ही है जाने में भाई। तो फाइनली 1 से 1.5 घंटा जाम में बर्बाद करने के बाद पहुँच चुके हैं अभी। कहाँ कोमल, कोमल कहाँ पहुँचे अभी? मेट्रो स्टेशन। तो ओह माय गॉड, वो सारे ये नहीं बोला था, सारे ये बोला कि वो भैया थोड़े क्यूट से नहीं थे, ये भी बोला था उसके आगे। और कितनी खुश हो रही, कितनी खुश हो रही, कितनी खुश है, डांस करते हुए जा रही, बिल्कुल डांस करते हुए जा रही, बिल्कुल डांस करते हुए जा रही है। टाइम करेक्ट 9 बज गए भाई, हमने सोचा था 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये बाबूराव का स्टाइल है, ये छोटी वाली बाइक थार चलाएगी रे। अभी ना दीदी का मूड हो रहा है वहाँ पे बाइक को चलाने का, मतलब बोल रही है कि वो जो छोटी छोटी बाइक घूम रहे हैं ना, ये वाला बाइक चलाने का करते हैं। हाँ ओके, चलो तो इंडिया गेट जाने के लिए ना हमें ये अंडर पास से जाना है भाई, लेकिन भीड़ वहाँ वही है। कोमल को बस कोई भी कुछ भी चीज़ दिखना चाहिए, इसको वो चाहिए। ओ वाओ इंडिया गेट, नाइस। ये गीला गीला हो रहा है क्या? मुझे ही फील हो रहा है भाई 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 भाई, अभी देखना इसमें ऐसा कलर है ना, अभी थोड़ी देर बाद और कलर चेंज हो जाएगा। अरे नीचे देख लो दे रहा है कुछ। कोमल तेरा नाम है ना, तेरे को इंडिया गेट देख के क्या याद आ रहा है? इधर से पाकिस्तान गेट की शुरुआत। अच्छा, इसको लग रहा है ये इंडिया का गेट है, इसके पीछे साइड पाकिस्तान है, साइड भाई पाकिस्तान है। अब कोमल को ना ये उड़ते हुए दिखे, मतलब ये तितली से उड़ रहे हैं आसमान में, लाइट मार रहे हैं ना आसमान में, देखो और देखो ब्लू ब्लू लाइट उड़ रहे हैं आसमान में, बस वही पसंद आ गया इसको, अब वो चाहिए इसको, देखो वो चाहिए इसको अब। अब उसकी जो है टेस्टिंग चल रही है और ट्रेनिंग, मस्त वाली कोमल की ट्रेनिंग चल रही है। इसको छोड़ देखो भाई, ये आया, ये आ गया, आ गया। अरे अब इसी 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 के मजे लेते हैं। कैसे मारा? मैं समझ गया, इस साइड। हाँ कितने गए?
ओके ओके चलो अभी सीख लो दीदी। हाँ गुलेल मारा ना ऊपर इंडिया गेट। तो अब इसी के मजे लेते हैं थोड़ा। इंडिया गेट के पीछे साइड देखो भाई, अब कलर देखो इतने रंगा लग रहा है बिल्कुल। और उसको उस साइड में देखो एक वहाँ पे और जस्ट इस साइड में भाई, मज़ा आ गया ये फुहारे देख के। और कोमल का तो हर जगह ओशन ही दिख रहा है, उसको भी ओशन बोल रही है, उसको भी समुद्री बोल रही है। अब दीदी उड़ाएगी इसको, लाइट तो जलाओ। ये थोड़ा दूर से, हाँ हाँ अब खींचो और जोर से खींचो, उधर को नहीं इसलिए ऊपर सीधे स्ट्रेट। हाँ खींचो, कोई उठा के ले जाएगा। ये क्या चीज़ देखो, ये कितने का है? 30 बड़ा पता यार। ऑर्डर करना भैया। तो अब कोमल यही काम करेगी, देखो इसे ले तो लिया। अब उन लोगों का डाउट क्लियर करते हैं जिनको लगता है इंडिया गेट के पीछे इंडिया खत्म हो जाती है। कोमल की तरह कोमल बोल रही है इंडिया गेट के पीछे क्या है? पाकिस्तान। इंडिया गेट साइड से ना हमें कुछ इस तरह की इतनी है चौड़ी मिलती है, मुझे लगता था ना एक ही दीवार होगी, यहाँ पे देखो दो 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 दीवार है भाई। और जैसे आगे साइड से वैसे पीछे साइड से भी दिख रही है, फाउंटेन के पास खड़े हैं। और ना आप इसके अंदर से आर पार नहीं हो सकते हो, इसके साइड से जाते हैं आर पार, बाकी इसके अंदर जाने के लिए कोई एंट्री नहीं है। मतलब कई लोग सोचते होंगे ना कि इंडिया गेट है उसके नीचे से जो है ना आर पार जाते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओ माय गॉड हमारी किस्मत देखो, क्रॉस हो गया पूरा। स्टैचू है सुभाष चंद्र बोस। अच्छा वहाँ पे जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू है। और अब जो है यहाँ पे क्लोज हो गया भाई बिल्कुल, अब उधर से कोई अब उधर को कोई नहीं जा सकता। टाइम बिल्कुल करेक्ट 10 बज चुके हैं, हमने काफ़ी टाइम हमें बर्बाद कर दिया था ना। तो कुछ इस तरह का इंडिया गेट के पीछे साइड में, ठीक है फ्रंट से हमने इंडिया गेट आप लोगों को दिखा दिया, अब बैक साइड में ऐसा है। और यहाँ पे सिटी बजने लग गई है, जो सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं ना जो आर्मी वाले निकल गए हैं, अब जो है 10 बजे के बाद किसी को नहीं झलकने देंगे यहाँ पे। वहाँ पे जो है एक स्टैचू है, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, फिर उसके साइड पीछे साइड में बाउंड्री दिख रही है। तो इसके बैक साइड में जो मैंने आप लोगों को क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। तो मैंने जो है आप लोगों को जो इंडिया गेट के बगल में फुवारा दिखाया था ना तिरंगा कलर का, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को लेके चलता हूँ। देखो सीटी बजाने लग गए हैं, वही जो है ना वो जो अभी भाई थे जिनसे हमने ना वो उड़ाने वाला लिया, उनका वो भी छिंक ले गए थे, तो वही सिक्योरिटी गार्ड वाला है। और इंडिया गेट के जो बैक साइड में बोल रहा था सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, तो कुछ इस तरह की है, देख पा रहे होंगे आप लोग। वो भाई अब एक सेकंड ही रुकने दे रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे फोटो खींच रहे थे ना, वहाँ से भी जाने को बोल रहे हैं, बट हमने फोटो खींच दिए हैं बिल्कुल मस्त करके। लेकिन अब जो है सबको जाने, देखो सब जाने लग गए हैं 10 बजे के बाद, कोई नहीं रुक सकता इधर। 10 करेक्ट 10 बज गए हैं अभी, तो अभी चलते हैं। और अभी जो है आगे और कुछ भी है दिखाने का, सारा कुछ दिखाते हैं। तो भाई इतने सारे पोस्टर टांग रखे ना कुछ इस तरह के, देखो मैं सोच रहा था कि जो ये है ना ये क्या बोलते हैं ये जो एंटीना जैसे लगा रहे, मैं सोच रहा था ना जो ये खंभे हैं ना लाइट के, इसमें जो है एंटीना जैसे क्यों लगा रखे हैं। दीदी को भी पूछा था मैंने इस चीज़ के बारे में, जो ये है ना ये झंडा के लिए है, और काफ़ी इसका 3D मॉडल भाई, क्या बोलते हैं इसको, मज़ा आ गया। 1947 का पिक्चर है यहाँ पे लिखा दी, अप्रैल 1947 जब आज़ाद हुआ था हमारा देश। कोमल ये देख, जिंगा लाला हूँ हाँ ये लेना, इसको नहीं पसंद आया है वरना ये भी ले लेती। कोमल तेज़ में बैठ गया, फोन संभाल लेगा भैया, संभाल लेगा चलाओ। कॉन्फिडेंटली हाँ ऐसे नहीं, उनको नहीं आता। तो दीदी देखो ले, तो देखो दीदी को ऐसे डर लगता है स्कूटी चलाने में, लेकिन उनका मन था करने चलाने का, मतलब दीदी को ऐसे स्कूटी चला। यार तुम मुझे देख नहीं रहे हो, मुझे भागना पड़ेगा, मैं नहीं भाग सकती उतना।
हम लोग हो गए थे अभी भाई, दीदी गई थी आइसक्रीम लेने यहाँ पे, ये बगल में गई थी तो हम लोग यहीं पे खड़े थे, दीदी ऊपर से होते हुए वहाँ चले गई, हम आइसक्रीम लेके आ रहे थे, तो आइसक्रीम खाते हैं फटाफट से और उसके बाद सीधे घर जाके खाना ही खाना है। और फाइनली बाय बाय इंडिया गेट। ओ ये वाली ऑटो उबर तो आई नहीं, रुको भैया, बट तो हमने दूसरी कर ली यहाँ पर से। भाई लाल किला की दीवार इतनी दूर दूर तक देखो। ओ फाइनली फिजुक फिजुक कैसा लगा? मजा आया? मजा आया, क्या बोलते हैं, गोलगप्पे खाने को नहीं मिले? सही बात है। पिंकी पिंकी चल। अरे अरे नो 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 नो, अब तो गाली खाना पक्का है भाई। यहाँ पे कुत्ते देखो, ये काटेंगे। पापा गेट पे कुंडी लगानी है। बात कुक कर ले, स्मेल ही कर छू आला, बात कर छू। तो बस फाइनली जो है घर पहुंच चुके थे और अभी जो है खाना खा के बिल्कुल मस्त करके अब सोने की तैयारी हो रही है, बिकॉज टाइम हो गया है, रात का 1 बज गया है, तो अभी जो है सोते हैं। और कल हमने जाना है, कहाँ जाना है? GoPro देखने। तो हमने जो है कल जाना है GoPro देखने, जिसका कि ब्लॉग आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा कुछ जो है दिखाता रहूँगा। तो अभी जो है सोते हैं, बिकॉज टाइम भी बहुत हो गया है, तो काफ़ी जो है घूम गए हैं। पहले ना हम कपड़े वपड़े लेके आए थे, लेकिन वो अभी भी रखे ही हैं, ऐसे कोने में रखे थे वहीं पे रखे ही हैं। बस ये वाला टी शर्ट पहन लिया मैंने आज, जो कि पहले दिन पसीने से पूरा भीग गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो धुल जाएगा। तो चलते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और कल जाना है GoPro देखने। चलते हैं अगली वीडियो में, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना प्लीज से। चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।